हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका साइंस का एग्ज़ाम है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यूब्स करवाने जा रहा हूँ और ये एमसीक्यूब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके काफ़ी काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि आपको ये बताना है कि जो वातयुक्त पेय है, पहले हिंदी में पढ़ता हूँ, यानी कि सोडा वाटर, ठीक है, में डैश जो है विलेय होता है और डैश जो है विलायक होता है। देखो, जिसको हम घोलते हैं ना, ठीक है, जिसको हम घोलते हैं उसको हम विलेय कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो पानी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाएगा, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या कहलाएगा, विलेय, और जो पानी है ना वो विलायक कहलाएगा। अब इंग्लिश में सुनिए, ये कह रहा है जो एरेटेड वाटर है ना, जिसे हम सोडा वाटर कह रहे हैं, उसमें सोल्यूट क्या है। देखिए, सोल्यूट वो होता है जिसको हम डिजोल्व करते हैं, जैसे अगर पानी में चीनी डाल रहे हैं ना तो चीनी क्या कहलाएगी, सोल्यूट कहलाएगी। ऐसे ही क्या, एरेटेड वाटर के अंदर सोल्यूट कौन सी चीज़ होती है और सॉल्वेंट कौन सा होता है। तो पानी जो होता है ना वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है एरेटेड वाटर के अंदर, और पानी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड घोली जाती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो सोल्यूट होती है। तो इस तरीके से पहले सोल्यूट बोला था तो हम पहले वाला सोल्यूट बताएंगे, बाद में सोल्यूट बोला तो बाद में सोल्वेंट बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर क्या है, बी, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण है। देखिए, ये होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहा है, ठीक है, जिसके जो पार्टिकल्स हैं ना हमें बिल्कुल जो है शो नहीं होते, बहुत या बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, पूरी तरह डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बोला है कि मतलब सॉल्ट एंड वाटर के होमोजेनियस है, ठीक है, हिंदी में नमक का घोल। फिर कह रहे मिट्टी का मिश्रण, देखो जब पानी में मिट्टी घोलोगे तो मिट्टी तो हमें दिखाई देगी, उसके कण बड़े बड़े होते हैं, और पानी और सोडियम सल्फेट का मिश्रण, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर इसका डी होगा, ठीक है, क्योंकि पानी में जो नमक का घोल है और पानी और सोडियम का जो सल्फेट मिश्रण है ये पूरी तरह से होमोजीनियस बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ होमोजीनियस के बारे में, आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस की और क्या खास बात होती है। देखिए, होमोजीनियस जो है ना, एक तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसकी जो बाउंड्रीज होती है ना विजिबल नहीं होती है, मतलब हमें दिखाई नहीं देती इसकी जो सीमाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये कह रहा है विलयन के कणों का आकार कितना होता है। विलयन मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है, और ये होमोजीनियस होते हैं, इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। इसका साइज कितना होता है, 10^-9 माइनस में, ठीक है, नैनोमीटर बोला जाता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इसका छोटा होता है, किसका, सॉल्यूशन का साइज। तो जो आप चैप्टर पढ़ेंगे ना सेकंड, उसमें सबके साइज याद कर लेना, सॉल्यूशन का क्या होता है, सस्पेंशन का क्या होता है, ठीक है, और कोलाइडल का क्या होता है, ठीक है। ये मैंने ना यहाँ पे थोड़ा गलत बता दी, ये क्योंकि 10 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। तो ये इसका बी आंसर है, ठीक है, क्या है, बी। अच्छा, इसमें एक ही में दे रखा है, ठीक है। और जो कोलाइडल होता है ना उसका कितनी वैल्यू होती है, 10^-8 से लेकर 10^-6 के बीच में होती है, ये याद रखना, ठीक है। और जो सस्पेंशन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निलंबन कहते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 10^-6, इस तरीके से बड़ी होती है, ठीक है। ये किसका मैंने बताया आपको, निलंबन का बताया, ठीक है। और कोलाइडल को तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कोलाइडल ही कहते हैं, और ये विलयन है यानी कि सॉल्यूशन, इसका क्या है, बी आंसर, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो, दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज जो होता है ना वो रिवर्सिबल होता है, वापस आ जाता है, ठीक है, मतलब परिवर्तन हो जाता है उसमें, जबकि जो केमिकल चेंज होता है ना उसको रिवर्स नहीं होता, उसमें न्यू सब्सटेंस बन जाता है, नई चीज़ बन जाती है। आपको बता रहे हैं इन चारों में से कौन सा जो है केमिकल चेंज का उदाहरण है। अब देखिए, आपने क्या करा, पेपर को कट कर दिया, ठीक है, तो कोई नई चीज़ थोड़ी बनी है, तो ये क्या है, फिजिकल है। आपसे पूछा गया है कि केमिकल कौन सा होगा, आपने बर्फ बना दिया पानी को, तो ये भी क्या, फिजिकल है, मतलब भौतिक है, आपसे रासायनिक पूछ रहा है। आपने मैग्नीशियम रिबन को जला दिया, ये क्या है, केमिकल है, ठीक है। आपने डिसोल्व कर लिया कॉपर सल्फेट को, ये क्या है, फिजिकल है। तो आपसे पूछा था रासायनिक कौन सा है, केमिकल कौन सा है, तो इसका सी आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है ना वो केमिकल होते हैं, ठीक है। पेड़ का कटना, अगर पेड़ को आप काट रहे हो ना तो वो क्या है, फिजिकल है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर पेड़ उग रहा है तो वो क्या है, केमिकल है, ठीक है। पेड़ का कटना हिंदी में सुन लीजिए, पेड़ को काट रहे हैं ना तो वो भौतिक कहलाएगा, लेकिन पेड़ उग रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, तो वो केमिकल यानी कि रासायनिक कहलाएगा। अब आ जाइए पांचवें क्वेश्चन पर।
पांचवे क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में निर्मित कौन सा मिशन टिंडर प्रभाव दिखाएगा। देखो टिंडर का मतलब है ना लाइट का फैलना, स्प्रेड हो जाना, है ना। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा जो है टिंडर प्रभाव को दिखाएगा। ठीक है, तो आपसे पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है निलंबन, कोलाइड, विलयन या ए भी दोनों। देखिए अगर अभी अभी मिलाया ना तो मिट्टी के कण जो होंगे ना, जैसे निलंबन का बता रहा हूँ, निलंबन को इंग्लिश में जो है सस्पेंशन कहते हैं, तो अगर हमने पानी में अभी भी मिट्टी खोली है तो मिट्टी के कण ऊपर ऊपर होंगे तो जो लाइट होगी ना वो ऐसे स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब उस पर टिंडर प्रभाव दिखाई देगा क्योंकि अभी अभी बोला हाल ही में, लाइन आपको सही से पढ़नी पड़ेगी, समझे। और कोलाइड में तो होते ही, जैसे दूध है ना वो कोलाइड का एग्जांपल है। ठीक है, तो दूध में भी लाइट जो है टिंडर प्रभाव दिखाई देगा। तो जब हाल ही में लिखा आया है तो आप ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि डी इसका आंसर हो जाए। समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्या आंसर इसका? डी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? चलो टिंडर प्रभाव समझ में आ गया हाल ही में। अगर हाल ही में ना लिखा होता ना तो हम सिर्फ कोलाइडर पर टिक कर देते। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन पर। देखिए अब हमसे सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक कोशिका की विशेषता होती है, मतलब जितनी भी सेल होती है ना उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उसमें न्यूक्लियर मैटेरियल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अगर ये तीनों चीज़ें पाई जाती तो हम डी पर टिक कर देंगे, अगर दो पाए जाते तो दोनों पर। मतलब आप जानते हैं और ये कोशिका का चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आप जानेंगे कि हमें तीनों के तीनों ही कोशिका की विशेषता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? डी। उसके बाद नेक्स्ट है डीएनए का मतलब क्या, मतलब ये फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे डीएनए की। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं ये लिखा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है एट्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो क्रोमेटिन है वो पदार्थ किसका बना होता है, प्रोटीन का, डीएनए का या क्रोमोसोम का। तो जो क्रोमेटिन है ना वो प्रोटीन और डीएनए दोनों का बना होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए में दोनों दे रखे हैं तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सेम नाम है, क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, डीएनए, क्रोमोसोम। तो प्रोटीन और डीएनए दोनों का बना होता है, इसलिए इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको बच्चों? आ रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। ये कह रहा है कि कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया, किसने इस्तेमाल किया। ठीक है, हु कॉइंड द वर्ड सेल। जो बच्चे अपने बता रहे हैं ना, जैसे बी सेकंड ऐसे इशारा कर रहे हैं जो भी। ठीक है, मतलब तो वेरी गुड बच्चों, आप पढ़ रहे हैं लगन से, अच्छी बात है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी खोज करी थी, है ना। अब आ जाइए टेंथ क्वेश्चन पर। तो टेंथ में बोल रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जल के अणु की गति क्या कहलाती है। देखो दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, एक वाटर का होता है और दूसरा एयर का होता है। सुन रहे हो ना आप सब, ध्यान से दे रहे हो ना। तो वाटर का मूवमेंट होता है और एक एयर का होता है। तो ये कह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, परासरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और जो हवा का होता है, ठीक है, हालांकि डिफ्यूजन में पानी में भी हो जाता है, लेकिन मेन हवा का जो है ना डिफ्यूजन बोलेंगे हवा के लिए, और पानी के लिए बोलेगा तो आप ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इलेवंथ पे आ जाइए। इलेवंथ में कह रहा है निम्नलिखित में से किस ऊतक में रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, मतलब कौन सा ऐसा जो टिश्यू है जिसमें वैक्यूल नहीं पाए जाते। तो कौन सा, एपिकल, इंटरकैलरी, पैरेन्काइमा या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है एपिकल और इंटरकैलरी में दोनों में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। तो इन दोनों में नहीं पाए जाते तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इलेवन का आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, तो शीर्षस्थ विभिजोतक और अंतर्विष्टि विभिजोतक में जो है ना रिक्तिका नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट है ट्वेल्थ, अपने ट्राई करने की कोशिश करना पहले। निम्नलिखित में एक जटिल ऊतक के घटक हैं, मतलब ये जो है ना जटिल ऊतक के पार्ट है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना उसके पार्ट है। ठीक है, इनमें से कौन जीवित है, कौन जीवित है, ये आपके असेसमेंट में भी आया था, है ना। तो लिविंग इन नेचर आपको बताना है कि कौन सा लिविंग इन नेचर होता है। ठीक है, तो वो कौन होता है जो जीवित होता है, कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, तो वो है जाइलम पैरेन्काइमा। क्योंकि कई बच्चे ना पैरेन्काइमा सोते हैं, वो तो सिंपल टिश्यू है, है ना। तो सिंपल टिश्यू आपने पढ़े ना, पैरेन्काइमा, स्कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जब बात करते हैं तो पैरेन्काइमा कौन सा, जाइलम वाला। तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, और हिंदी में जटिल ऊतक का घटक पूछा है, जीवित घटक पूछा है, तो वो जाइलम पैरेन्काइमा है, नेम सेम ही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद आते हैं 13 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है दिया गया चित्र किस सरल स्थायी ऊतक को दर्शाता है, बताइए कौन सा ऊतक है, मतलब कौन सा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है,
तो आप इसका मतलब ये हो कि जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको सारी पिक्चर्स अच्छे से करनी है ताकि पिक्चर देखकर आप उसका नाम बता पाएं, क्योंकि अगर आप नाम नहीं बता पाएंगे तो फिर आप आंसर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किसकी पिक्चर है और ये क्या बता रही है और इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए कि पैलेनकाइमा की है, और ये बता भी रखिए पैलेनकाइमा जो यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, या पैलेनकाइमा जो है वो स्टोर करता है फूड को, या ये कोलेनकाइमा की है जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, या इस कैलेनकाइमा की है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, पैलेनकाइमा जो स्टोर करता है फूड को। ठीक है, और ये पिक्चर किसकी है, पैलेनकाइमा की है। ठीक है, अब देखो पैलेनकाइमा की पिक्चर तो आपने पहचान ली मान लो, लेकिन आपको उसका फंक्शन भी तो पता होना चाहिए करता क्या है। अगर आपने पैलेनकाइमा लिख दिया लेकिन ए लगा दो तो गलत हो जाएगा ना, तो इसका बी आंसर है। ठीक है, पैलेनकाइमा आमतौर पर भोजन का संग्रहण करता है। समझ में आ गई। उसके बाद आ जाइए 14 क्वेश्चन पर। तो 14 क्वेश्चन में बोल रहा है, 14 क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा सेल स्थायी ऊतक कोशिका विभाजन नहीं करता, मतलब कौन है जो सेल को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, कौन सा है आपको बताना है 14 में। तो कौन है, कोलेनकाइमा है, पैलेनकाइमा है, एरेनकाइमा है, या स्कैलेनकाइमा है। तो देखो आपको इसके चैप्टर्स को अच्छे से करना पड़ेगा, इनके एक एक को याद करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे। ठीक है ना, तो कौन है तो सेल डिवीजन नहीं कर पाता, कोलेनकाइमा, पैलेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा। तो इसका आंसर जो है वो है स्कैलेनकाइमा। ठीक है, ये जो है सेल डिवीजन नहीं कर पाता। ठीक है, बाकी कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, ये देखिए, ये आपने पिक्चर बहुत बार देखी होगी असेसमेंट में, वर्कशीट में, है ना। तो अब आप मुझे बताइए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसकी क्या नेम है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इसका मतलब पिक्चर पे देखो दो क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है ना, तो इस जो सबसे नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हाँ लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ये आपको ना बिना ऑप्शन के याद होने चाहिए। ठीक है, हिंदी में देख लेना, पार्श्व विभिजोतक बोलते हैं। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष विभिजोतक बोलते हैं। और ये शीर्ष में है, सबसे ऊपर है, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक है, समझ में आ गई। तो इससे क्या है, आप रिवीजन आराम से कर लेंगे, है ना। अब हमारा है 16 क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है यूनिट क्या होती है स्पीड की, मतलब चाल की इकाई क्या है, मतलब चाल को जो ऐसे यूनिट है ना वो किस में कही जाती है। तो वो होते हैं मीटर पर सेकंड। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो त्वरण होता है जिसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन की क्या होती है, आपको अच्छे से आना चाहिए एक्सेलरेशन की भी। तो उसकी होती है मीटर, अगर ये लाइन डाली आपने तो सेकंड का स्क्वायर, और अगर आपने लाइन नहीं डाली तो मीटर सेकंड स्क्वायर के ऊपर दो लगा देते हैं। पता है ये जो दो है ना ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने इसको अपॉन में नहीं लिखा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, ये देखिए, अगर मैं मीटर सेकंड के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगाऊंगा ना तो मुझे यहाँ पे माइनस नहीं लगाना। अगर ये मैं बटे में नहीं लगाऊंगा तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों मैं बताता हूँ। देखो मान लो मैंने मीटर सेकंड स्क्वायर लिखा, ठीक है, तो आपको पता जब कुछ माइनस में होते हैं तो वो उल्टी कर दी जाती है, रिवर्स कर दी जाती है। तो ऐसे 1/2 में सेकंड के ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मतलब जब ये लाइन डली है तो माइनस नहीं लगाना, ठीक है, और जब ये लाइन नहीं लगी तो आपको माइनस लगाना है। समझ में आ गया। तो मैं बता रहा था कि चाल की इकाई क्या होती है, तो वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और ये किसकी है, ये त्वरण की है, किसकी है, एक्सेलरेशन की है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है डी। ठीक है, अब आ जाइए 17 क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान है। देखो मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या होते हैं। देखो आप इस पॉइंट पर हो, आप यहाँ गए, ये 4 मीटर गए मान लो। अगर मैंने आपसे पूछा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस पर डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे 4 मीटर। ठीक है, ठीक है, हिंदी में डिस्टेंस को दूरी बोला जाता है। ठीक है, डिस्टेंस को दूरी बोला जाता है, और विस्थापन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैंने आपसे पूछा कि ए से लेकर बी पर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे 4। ठीक है, अगर मैंने क्या करा, यहाँ 4 था मैं, ठीक है, मैं यहाँ मुड़ गया, फिर मैं ऐसे मुड़ गया, तो मैं इस पॉइंट पर आ गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अब आपसे मैं बोला ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर मैंने आपसे पूछा तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा आप कितने बताओगे, 4, 4 और 4 सबको जोड़ दोगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, आपसे विस्थापन पूछा जाएगा, तो उसे सबसे छोटी दूरी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो 4। तो ये कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि दूरी और विस्थापन का परिमाण, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो किस में इक्वल रहेगा। अगर बाइक को हम स्ट्रेट रोड पर चला रहे तब रहेगा, बाइक को हम सर्कुलर में चला रहे तब रहेगा,
मून चक्कर लगा रहा है अर्थ का तब रहेगा या पेंडुलम रहेगा। आपको मैंने अच्छे से बताया कि जो डिस्टेंस है ठीक है वो तो जितना हम कवर करेंगे उतनी होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो पहला और लास्ट का पॉइंट को जोड़ेंगे तो तभी आएगी। तो अगर वो स्टेट चलते रहेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर वन है। देखिए इसका आंसर क्या है, वन, मतलब वन पार्ट किस में आ रहा है, सी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। तो हमने देखा इन चारों में से कहीं दो चीज तो सही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक ही चीज सही थी, वो थी वन, तो सी इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं ठीक है कि सेकंड में देखिए कि एक बाइक है वो सर्कुलर में घूम रही है, मान लो उसी पॉइंट में वापस आ गई, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है तो आप इसकी डिस्टेंस कितनी बताओगे, आप इसकी डिस्टेंस बताओगे कि ये जितना भी इसका पैरीमीटर होगा ना, जितना भी इसका सर्कमफ्रेंस होगा, जितनी भी इसकी परिधि होगी, फॉर्मूला लगा देंगे 2πr, r का फॉर्मूला लगा देंगे, उतनी होगी। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब कितना विस्थापन होगा, तो जीरो होगा। क्या होगा, अगर हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं ना तो विस्थापन जीरो हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो इसके आसपास के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ना, आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। अब आगे आ जाइए, 18 क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन त्वरित गति का उदाहरण नहीं है, ये कह रहा है कौन जो है ना इसमें से एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। देखो मैं आपको अच्छे से बता दूं कि एक्सेलरेटेड को एक तो ए सिंबल से डिनोट किया जाता है, दूसरा इसका फॉर्मूला होता है वी माइनस यू ओपन में टी होता है, और तीसरी बात कि एक्सेलेरेशन त्वरण तभी होगा जब वेग में परिवर्तन होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तभी एक्सेलरेशन होता है, अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक ही स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है एक ही स्पीड से आप चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। मैंने आपको अच्छे से बताया था, आप जो असेसमेंट आपके आए थे है ना साइंस के मैंने बनाया, उसे अच्छे से देखिएगा, बहुत डीपली समझाया मैंने। तो ये देखिए, अब ये है ना, यहाँ पर मैंने लिखा टाइम, यहाँ मैंने लिखा वी। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब हिंदी में त्वरण कितना होगा, तो आप बता सकते हो त्वरण कितना होगा इसका, जीरो होगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है ना उसमें चेंज ही नहीं आ रहा, ये एक्सिस के पैरेलल है। याद रखना यहाँ वी ओ टी होना चाहिए, वी ओ टी होना चाहिए, तो क्या होगा, जीरो। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि बताइए इसमें से किस में एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होगा, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो ग्रेविटी उसे खींच रही है अपनी ओर, तो वहाँ पर जो है ना एक जैसा वेलोसिटी नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, तो इसलिए ये तो नहीं है। आपको वो एग्जांपल ढूंढना है जिसमें वेलोसिटी चेंज ना हो, कॉन्स्टेंट हो, क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, स्थिर हो। ठीक है, अब देखिए एक एथलीट है वो रनिंग कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, तो सर्कुलर में ट्रैक कर रहा है तो बार बार उसकी वो बदलती जाएगी, ठीक है वेलोसिटी, ठीक है, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, उसके नेक्स्ट बोल रहा है ट्रॉली स्लाइडिंग ऑन द रैम, एक ट्रॉली जो रैम पर ऐसे स्लाइड कर रहे, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब लास्ट बच्चा तो आप कहेंगे सर यही होगा, बिल्कुल सही, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी लिखा आ गया। ठीक है, वेरी गुड, अगर आप ध्यान दे रहे तो अच्छी बात है, मेरी मेहनत सफल होगी। ठीक है, 19 पे देखिए आगे सर, मैं आपको ये 18 आगे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, थोड़ा हिंदी में भी आप देखिएगा, अगर मैं कोई चीज़ इंग्लिश में बोल देता हूँ तो हिंदी में थोड़ा आप भी कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए 19 क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार कारें हैं ए बी सी और डी, एक सीधी सड़क पर चल रही हैं, बिल्कुल सीधी सड़क पर चल रही है, देख लीजिए आप, ये पिक्चर भी शायद इसी की बना रखी है, हाँ इसी की पिक्चर है ये। ठीक है, तो ये कह रहा है जिनकी गति को उनकी दूरी समय ग्राफ से दिखाया गया। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, देखो ये डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ है, ठीक है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है किसकी जो है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, कह रहा है कार सी जो है वो स्लोएस्ट होगी। देखो अगर हम बिल्कुल बीच की बात करें, बिल्कुल बीच में आप एक लाइन डाल लीजिए, तो उससे इधर की तरफ जाओगे ना तो वो फास्ट होती जाएगी, समझो मतलब अगर हम बीच के, अगर आप कुछ अच्छे से पता लगाना चाहते हैं ना कि किसकी स्पीड जा रही है, देखो चार गाड़ियाँ चल रही हैं ए बी सी डी, तो ये कह रहा है हिंदी में देखो, ये कह रहा है चार गाड़ियाँ चल रही है, कि आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए जहाँ पे टाइम और डिस्टेंस दे रखा होता है, तो आप पहले 40 की लाइन डाल लो, ऐसे करके डाल ली तो उसके इधर की तरफ जो है ना वो स्पीड बढ़ती जाएगी और उसकी वो घटती जाएगी, मतलब उसकी कम होगी। अब आप देखिए सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, डी है ना, तो इसका मतलब डी जो है सबसे तेज चल रही है गाड़ी,
ठीक है, सबसे तेज चले। और ये पेपर में पुराने पेपर भी देखोगे ना, उसमें भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए, ये कह रहा है सी सबसे धीरे है, बताओ सबसे धीरे कौन सी है? सबसे धीरे बी है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, जो जितना ज़रा नीचे होगी ना वो उतना धीरे होगी। ठीक है, तो बी सबसे धीरे है, तो ये कह रहा है सी सबसे धीरे, तो ये तो गलत बात हो गई। कह रहा डी सबसे तेज है, तो ये सही बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है ना। बाकी नीचे और चेक करो, कह रहा ए जो है वो डी से तेज है, गलत कह रहा है, ए तो नीचे है। और फिर लास्ट कह रहा है कि जो डी है वो सी से धीरे चल रही है, ये भी गलत है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना बच्चों समझ में? ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के निम्नलिखित वेग समय ग्राफ। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो यहाँ पे टाइम डिस्टेंस मतलब दूरी समय लिखा होता है, हिंदी में नहीं लिखा, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना ये दूरी है और ये समय है। और यहाँ लिखा होता है टाइम वेलोसिटी, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज बहुत होते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। ये कह रहे वेग समय ग्राफ में कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण दिखा रहा है? अच्छा, ये तो मैंने अभी डिस्कस ही करा था, अभी हमने करा था ना जो बस एक स्पीड से चल रही थी कॉन्स्टेंट से, तो आपको फटाफट आंसर बता देना कि कौन सा जीरो एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। ठीक है, आप फटाफट देखिए कौन सा होगा इसमें से 20 का। वेरी गुड, अगर आप बता रहे हैं तो जो बता रहे हैं उनको वेरी गुड सी आंसर, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा और इन सब में हो रहा है। ये जब नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो इसे मंदन बोलते हैं, ठीक है, रेट्रोडेशन बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, माइनस में हो रहा है ये। ठीक है, और ये तो आपको पता है एक्सेलरेशन है, ये भी ठीक है, और यहाँ जीरो है। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा लगा। चलो अब 21 पर आ जाइए। ये कह रहे इनर्शिया जो है, अभी 9 चैप्टर है बच्चों आपका, चैप्टर नंबर 9 है ना आपका साइंस में, उससे रिलेटेड है। तो 21 में ना ये कह रहे जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया वो जो जड़त्व है वो किस उसमें वो किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है मास में, द्रव्यमान में। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आप आराम से इसे बता पाएंगे। ठीक है, मास में। उसके बाद कह रहे बल का मात्रक क्या है? जो जैसे ऐसी यूनिट होती है ना, तो बल मतलब फोर्स, तो फोर्स को किस में मेजर किया जाता है? तो न्यूटन। ठीक है, क्या? न्यूटन। अब आगे आ जाइए, उसके बाद आइए 23 में। तो 23 जो क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है एक अंतरिक्ष यान के, एक मिनट में इंग्लिश में भी निकाल लेता हूँ, हाँ, एक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के दौरान उससे निकलने वाला प्रणोद उसके ऊपर उठने में मदद करता है। तो देखो यहाँ ना एक्शन का अपोजिट इक्वल रिएक्शन हो रहा है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। तो देखो इसमें तीन होते हैं, फर्स्ट लो मोशन, सेकंड लो मोशन, थर्ड लो मोशन। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, कोई चीज़ अगर चल रही है ना, तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए, तो वो चीज़ चलती तो चल रही है, रुके तो रुकी रहेगी। ठीक है, और जो दूसरा नियम होता है ना, तो दूसरा नियम में कितना फोर्स लगेगा मतलब कितना बल लगेगा, ये उसके मास और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स अप्लाई होने वाला है, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पर निर्भर करता है। ये दूसरा नियम कहता है कि बल का प्रभाव कितना होगा ना, ये उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर के गुणनफल निर्भर करेगा। और तीसरा जो नियम होता है वो ये कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अगर आपने कुछ एक्शन किया तो उसका इक्वल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जब हम उसे लॉन्च कर रहे तो उसने अपलिफ्ट करा, ठीक है, तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम होगा, अब आप बताइए, मैंने थोड़ा सा समझाया आपको, तो ये होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो जो तीसरा नियम है, अगर एक्शन हो रहा है तो उसका अपोजिट इक्वल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ये स्पेस शटल ऊपर जाना चाहते हो तो नीचे भी फोर्स लगे तभी ऊपर जा पाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया। ठीक है, तो उसके बाद आगे आ जाइए, गति का दूसरा नियम हमें किसका माप देता है? देखो गति का जो दूसरा नियम है ना, अभी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि गति का जो दूसरा नियम है उसके बारे में, वो क्या हमें बताता है? वो बताता है हमें फोर्स के बारे में। और अभी के लिए इतना काफ़ी है, मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।